हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ हुआ कि नहीं? आजकल का यंगस्टर प्रैक्टिकल चाहता है। आजकल का हमारा यूथ तुरंत पूछता है, क्या है ये मैं करूंगा तो इससे कुछ काम बनेगा कि नहीं? तब श्री नारद श्री सूत जी ने भागवत महात्म की कथा सुनाई। एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्र का आश्रम पहुंचे। मुख उदास था उनका। सौनक इत्यादि ऋषि सुन रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं कथा। तो सनकादिक ऋषि वहां पर मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका मुख कितना उदास क्यों है? क्योंकि संत को टेंशन नहीं होती, अब बाबा भी चिंता करने लग जाएगा तो दुनिया का क्या होगा, पर जब होती है तो समाज के लिए होती है। संत वही है जो समाज की चिंता करे। बोले उदास क्यों? तब अपनी उदासी का कारण नारद जी ने बताया। कहा कि एक बार की बात, में पृथ्वी भ्रमण के लिए निकला तो मैंने स्वर्ग में मृत्यु लोक की बड़ी चर्चा सुनी कि इतना सुंदर मृत्यु लोक है, ऐसा मृत्यु लोक है, और जब गया तो उसके उल्टा पाया। कभी कभी होता है ना, किसी की चर्चा आप सुनो, अरे वो तो बड़े बढ़िया है, वो तो लंबी वाली पर्ची कटवाएंगे, और उनके पास जाओ तो फोन स्विच ऑफ होता है, महाराज कल बताएंगे परसों बताएंगे, ऐसे भी होते। नारद जी ने कहा मैंने देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम् दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वरा काकूटवासिनः। नारद जी ने देखा कि दुनिया में अब सत्य नहीं बचा है, सच नहीं बचा है दुनिया में। आजकल हर बात पे इंसान झूठ बोलता है। सत्यम नास्ति तपः, तप तो बचा ही नहीं है। तप की छोड़ो, आजकल सुबह 4 बजे ठंड में नहाने के लिए बोल दो तब सब भक्ति पूजा सब घर में रखी रह जाती है। हाँ, तपस्या की तो बात छोड़ो, और जो नहाते उन पे लोग हंसते हैं, बड़े बाबा जी हैं, टीका लगा के आ गए हैं, यही हमारे मोहल्ले के सबसे बड़े बाबा जी। ये दुनिया बड़ी गंदी है। भक्ति मार्ग में जब जब आप आगे बढ़ोगे, ये दुनिया सबसे पहले आपको ताने देना शुरू करती है। और सच बताऊं, जो ताने सहन करना सीख गया उसको एक दिन भगवान मिलता है, और जो तानों में उलझ गया वो संसार का बन के रह जाता है। इसलिए कोई ताने दे तो चक्कर में मत पड़ना। आजकल के मॉडर्न लोग जो अपने आप को कहते हैं मॉडर्न है, आज मुझे ये विषय, संस्कार चैनल भी है, आप सब भी हैं, ये विषय रखते हुए बहुत शर्म आ रही है कि वर्तमान में हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों को कोई अगर अपना लेता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई चोटी रख ले तो पंडित, अगर कोई धोती पहन ले मार्केट में जाए तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे मदारी आ रहा हो। जींस वाले यंगस्टर यूथ, मैं कभी कभी धोती पहन के जाता हूं ना, ऐसे घूर के देखते जैसे मेरे अंदर से अभी नागिन निकलेगी। कोई अगर पल्लू वाली महिला आ जाए तो पुरानी ओल्ड फैशन, कोई अगर टीका लगा के आ जाए तो ढोंग आडंबर, और खुद कटे फटे कपड़े पहन करके शराब पी करके मांस खा करके कहता है वी आर मॉडर्न। अरे थूए ऐसी मॉडर्नता पे। आज समाज का जो जितना गंदा व्यक्ति है वो अपने आप को मॉडर्न कहता है। रात में क्लब गए, पार्टी ज्वाइन की, कटे फटे कपड़े पहन लिए, ऐसे अंग प्रदर्शन कर दिया और कहते हैं महाराज जी जस्ट लाइक नॉर्मल, फील वेरी गुड बिकॉज आई एम अ मॉडर्न। यू आर रॉन्ग माय डियर। मॉडर्न का मतलब होता है उच्च विचार, ऐसे कुंभकर्ण जैसे पुराने मांस मदिरा को खा करके पुराने विचार रखने वाला मॉडर्न है। अरे असली मॉडर्न तो हमारा राम है जो माता पिता के एक वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया। मॉडर्नता सीखनी है तो राम से सीखनी है।